मैं भी हूँ चौकीदार और हमारे देश का चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमने अक्सर देखा है, हमने देखा आधी रात को जीएसटी बनते देखा, हमने आधी रात को SC ST आयोग ST ST जो एट्रोसिटी बिल है उसको वापस होते देखा, हमने हर आधी रात बहुत सारे देश से वापस लौटते अपने प्रधानमंत्री का हमने दिल्ली में स्वागत किया, रात में हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, रात में हमने एयर स्ट्राइक देखी। तो इतना तो तय बाटे कि चौकी दरवा जागत था और चोरवा सब भागत था। देखिए बिहार में तो महागठबंधन क्या हो, तो पहले से भी लोग एक होकर लड़ते ही रहे हैं और बिहार में इम्पोर्टेंट यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू अलग अलग लड़ती है या साथ लड़ती है, LJP कैसे लड़ती है। तो ये तीनों का एक साथ लड़ना मैं समझता हूँ कि पीछे भारतीय जनता पार्टी और LJP साथ थी, जदयू अलग थी, तब भी हम लोग इतनी सीट लाए। जब जदयू भी साथ में आ गई है तो सारा अगर कॉम्बिनेशन जोड़ दे तो हमें लगता है इस बार हम लगभग सारी की सारी सीटें जीत सकते हैं। लेकिन एक बताइए कि लोकसभा दिल्ली में तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी अलग लड़े, कांग्रेस अलग लड़े या फिर वो एक भी हो जाए, हम लोग उनको एक ही मान के चलते हैं। और BJP अपना सातों की सातों सीटें हर सर्वे में हम आगे हैं। हमारा जो सर्वे खुद का भी है उसमें भी हम लगभग 58% वोट ले रहे हैं दिल्ली का। तो सामने किसी का गठजोड़ हो या ना हो हमसे फर्क नहीं पड़ता।